what aspect of life? Mirzapur released, which was a big project for me, and soon after, my first international TV series, Beachum House, released on Netflix. So I'm excited that I'm getting to do different kinds of work in India. Thank you. अभी तो बात की थी हमने कल परसों आप पॉपुलर बना रहे हैं। हेलो, कैसे हैं आप? मुझे बताया नहीं गया, पर जिसको भी सम्मान देने को कहेंगे मैं दे दूंगा। बहुत खुशी वो हैज बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ माय जर्नी सो फार। एंड जब भी वो का कोई इवेंट होता है और जब भी वो किसी भी तरीके से मेरे काम को एक्नॉलेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, बहुत बड़ी टीम रहती है। जब आप शुरुआत करते हो आपके साथ टीम नहीं होती, जैसे जैसे ऊपर वाला मेहरबान होता है आपके साथ टीम आ जाती है, स्टाइलिस्ट आ जाते हैं, मेकअप हेयर ये वो मैनेजर्स फलाना सब आ जाते हैं। सो आई एम ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल टीम हु मेक मी लुक द वे आई लुक, हु मेक मी डू द गुड वर्क दैट आई डू। सो या बिग शाउट आउट टू माय टीम। ये बहुत ही घातक सवाल आने वाला है आपका, क्योंकि अभी आपने बोला कैमरा ऑन करो। मजाक कर रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, आई थिंक बच्चन साहब एक ऐसे फिगर हैं जो आई थिंक हमारे इंडस्ट्री के राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, हम चाहे जितना उनको थैंक यू बोल दें, हम सबको इंस्पायर करने के लिए उतना थैंक यू कम है। दादा साहेब फाल्के इज़ अ बिग ऑनर, बट अ वेरी वेरी जस्टिफाइड ऑनर टू अ फिगर लाइक बच्चन साहब। बट स्टिल आई थिंक उनके ऑनर में मतलब कुछ भी दे दिया जाए वो छोटा ही लगेगा। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। प्लीज completely fine. guys, मुझे पता नहीं, पर आई थिंक उनका एक जादू है, उनकी एक्सपीरियंस, उनके उनकी जो डिसिप्लिन है, उनकी मेहनत जो है, आज भी जो उनकी लगन है एक्टिंग को लेकर, वो आई थिंक कहीं ना कहीं हर जगह रिफ्लेक्ट होती है। सो आई थिंक इट्स दैट पर हम सब सीख रहे हैं। आप चल लो।